छूने का आरोप लगाया। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, मैं हूं अजय कुमार। आज का बड़ा सवाल, धर्मांतरण कानून की मांग क्यों जरूरत है बहुसंख्यक की। जी हां, धर्मांतरण कानून की मांग क्यों जरूरत है बहुसंख्यक की, और यह बात इसलिए उठ रही है क्योंकि देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान है। इसके साथ साथ दो बड़े सवाल और उठते हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। क्या डेमोग्राफिक चेंज का खतरा हिंदुस्तान में बढ़ गया है? क्या अल्पसंख्यकों की बढ़ती आबादी बहुसंख्यकों के लिए चिंता का विषय है? इसमें कोई शक नहीं कि आज ये बात इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात को प्रमुखता से सामने रखा है। उनका यह कहना है कि आमतौर पर दुनिया के तमाम देशों में देखा गया है कि अल्पसंख्यक की मांग करते हैं कि एंटी कन्वर्जन कानून बनाया जाना चाहिए, यानी कि धर्म परिवर्तन निषेध कानून की मांग अल्पसंख्यक करता है, लेकिन आज हिंदुस्तान में इस कानून की मांग बहुसंख्यक कर रहा है और यह चिंता का विषय है। आइए आपको दिखाते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। कोई किसी धर्म को स्वतः स्वीकार करता है, इसमें कोई हर्ज नहीं करे, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि कहीं पर मास कन्वर्जन जब होने लगे, बड़ी संख्या में लोग अपना धर्म बदलने लगे, तो ये किसी भी कंट्री के लिए चिंता का विषय हो सकता है। क्यों ऐसा होना चाहिए? आप हिंदू हो तो हिंदू धर्म को मानो करो, मुस्लिम हो मुस्लिम धर्म मानो करो, क्रिश्चियन हो क्रिश्चियन धर्म मानो करो। ये कहां का आपने एक संकल्प ये ले लिया कि नहीं, हम पूरे वर्ल्ड की सोसाइटी को ही हम कन्वर्ट कर देंगे? तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। कोई इंडिविजुअल कोई धर्म स्वीकार करना चाहता है करे, कन्वर्जन कर सकता है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। दुनिया में दूसरे देशों में चले जाइए, इवन मैं ब्रिटेन और अमेरिका की बात कर रहा हूं, वहां पर जो माइनॉरिटी होती हैं वह एंटी कन्वर्जन लॉ बनाने की मांग करते हैं, धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाइए। लेकिन यहां जब मैं देखता हूं कि मेजॉरिटी यह मांग करती है कि एंटी कन्वर्जन लॉ होना चाहिए, तो चिंता का विषय, नहीं होना चाहिए। चिंताएं बहुत हैं और ये चिंताएं आज देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह सामने रख रहे हैं। इन चिंताओं पर बात करने के लिए हमारे साथ आरपी सिंह बीजेपी से, संगीत रागी जी संघ के विचारक, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से, मौलाना साजिद रशीदी जी, पंडित अजय गौतम जी और मौलाना अंसार रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत आरपी सिंह साहब मैं आपसे करूँ, आज क्या देश में धर्मांतरण इतनी बड़ी चिंता का विषय है कि गृहमंत्री को इस पर अपनी बात को स्पष्ट तौर से सामने रखना पड़ रहा है और यह कहना पड़ रहा है कि मास कन्वर्जन आज देश के लिए चिंता का विषय है? आरपी सिंह साहब, क्या मास कन्वर्जन, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण आज देश में चिंता का विषय है, जिस बात के प्रति गृहमंत्री जी ने अपनी चिंताओं को सामने रखा है? देखिए, वो आज की बात नहीं है, लगातार पिछले कई सौ सालों से देश में मास लेवल पे कन्वर्जन वो किसी ना किसी फॉर्म में लगातार उसकी चेष्टा और कोशिश हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। वो हम तो सिख कौम बनी तब इसलिए क्योंकि मास कन्वर्जन रोकने के लिए। कश्मीरी पंडित आए थे श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास ये कहकर कि हमें कहा जा रहा है कि आप कन्वर्ट होइए वरना अपनी जान से हाथ धो बैठिए, तो श्री गुरु तेग बहादुर ने शहादत दी, उसके चलते गुरुगोविंद सिंह ने खालसा पंथ सजाया ताकि अपनी पहचान आप गवाए ना। तो ये कई साल से चेष्टा है लगातार, परंतु आज की तारीख और उसके बाद फिर जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने अपनी तरफ से चेष्टा करी। गृहमंत्री जी अपने सरकार के कार्यकाल के आखिरी तीन महीने में इस बयान को दे रहे हैं, इसलिए हम इसमें का मतलब समझना चाहते हैं। करीबन 55 महीने की सरकार के बाद गृहमंत्री जी का यह बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है सिंह साहब। वो बयान उन्होंने कहां दिया ये भी आप बता दें तो आपके दर्शकों को थोड़ा सुविधा हो जाएगी। वो एक क्रिश्चियंस का कंग्रेशन था जी, वो ये नहीं कि कहीं
कहीं कहीं और ऐसी जगह दे रहे थे जहां पर कोई आपत्ति होती, वो माइनॉरिटीज का ही कंग्रेशन था, उनके बीच में एक बातचीत के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जब भी मास कन्वर्जन होगा तो उसके कारण से कष्ट होगा, और वो बिल्कुल जायज बात है क्योंकि दुनिया में एक एक ये देखा जा रहा है लगातार कि धर्म परिवर्तन के नाम धर्म परिवर्तन किया जा रहा है लगातार, इसमें कोई शक नहीं है, और दुनिया के कई सारे देश हैं जो पिछले 100 सालों में जिनका धर्म आप इतिहास की दुहाई देकर आज को सही ठहराने की बात कर रहे हैं, और ये बात इसलिए वाजे है क्योंकि अगर गृह मंत्री ये बयान आज दे रहे हैं तो उनके पास इसका कोई ना कोई बहुत बड़ा सबूत होगा, एक बड़ी चिंता होगी। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी का क्या रुख है इस संदर्भ में, खास करके गृह मंत्री जी की ये चिंता जो कि दरअसल सरकार की चिंता मानी जा सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक सेल है जिसमें रिसर्च टीम बैठती है। रिसर्च टीम ये सोचती है कि क्या एजेंडा हमको सेट करना है देश के सामने, कौन सा माहौल बनाए जिससे कहीं ना कहीं थोड़ी धर्म की और जाति की बात हो जाए अपने भाषण में। जी, 5 साल की सरकार हो गई है, 5 साल की बाद अगर ये सब बातें जग रही हैं तो सिर्फ इलेक्शन को नजर रखते हुए, 2 महीने इलेक्शन के बचे हैं और गृह मंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं, 5 साल तक सोते रहे, अचानक उनको सब बातें पता चलने लग गया, प्रधानमंत्री को भी अचानक सारी बातें पता चलने लगी, रोजगार देने की बात अभी याद आने लग गई, आरक्षण की बात भी अभी याद आने लग गई, अभी धर्मांतरण की बात अभी याद आने लगी, ये सब रिसर्च टीम का है। एक्चुअली ये देश का असली जो मुद्दा है, जनता का असली मुद्दा, उससे ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं, कैसे उनका ध्यान भटक जाए। असली मुद्दा तो आप भी जानते हो, जो मेरे पर टैग लगा दिया सारे आपके मीडिया साथियों ने कि भदौरिया आएंगे तो महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसान की बात करेंगे, इसके अलावा बात नहीं करेंगे, क्योंकि असली मुद्दा वही है सर। इस मुद्दे को भटकाने के लिए सब मुद्दे, इस सब की बात, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो आप देखना, अप्रैल मार्च के बाद ये सब कोई बात भी नहीं करेंगे। अभी चूंकि बात इसलिए हो रही है क्योंकि आपको भी उन्होंने एक मुद्दा दे दिया कि इस पे डिबेट हो जाए, पूरे देश में माहौल बना रहे जाति धर्म का, इसी पे उनका इलेक्शन निकल जाए और उनके विकास की कोई बात करनी नहीं है। चुनाव और चुनाव के अलावा और कोई मकसद नहीं है। आपको बात करनी चाहिए कि हमारे अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्या है। गृहमंत्री लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं करते, देश की टिप्पणी करते हो, देश के लॉ एंड ऑर्डर पे बात ही नहीं करते हो, क्या हालत है देश की, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जी, आपका जवाब आरपी सिंह साहब दे रहे हैं, आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए प्लीज। जी, आपने जो अभी गठबंधन किया, बिल्कुल छोटी सी बात, जी बिल्कुल छोटी बात, अभी जो गठबंधन किया इन्होंने यूपी में, वो तो जाति के आधार पे किया, किसी और आधार पे किया, और तो कोई एजेंडा है नहीं। तो हमें, अरे भैया, तो आपने 47 पार्टी से गठबंधन किया तो आपने किस बेसिस पे किया, मैंने आपसे पूछा क्या, और अरे आप ये बताइए, धर्म की बात करने लगे, जाति की बात करने लगे, हमारे इसके ऊपर आते थे आप, मेरे गठबंधन से आप इतने परेशान हो गए, आप समाजवादी की बात, आप सबसे जाति की बात करते हैं, परेशान हो जाओगे। मुझे लगता है कि इसको हमें मुद्दे पर रखना चाहिए। अनुराग जी, मैं आपसे और आरपी सिंह से बात दोनों से आग्रह कर रहा हूँ, आइए हम अपने मुद्दे से भटके नहीं, आइए हम अपने मुद्दे से भटके नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए, जाति अलग अलग मुद्दा है, अभी हम यहाँ पर हम यहाँ धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। मैं पहले से आग्रह करूंगा कि मुद्दे से भटकने के बजाय हम मुद्दे पर बातचीत करें। मैं नहीं भेज रहा हूँ कुशवाहा, मौलाना अंसार रजा, धर्मांतरण प्लीज प्लीज। अनुराग जी मेरा आग्रह है, प्लीज हम लगातार बात करते हैं, प्लीज बात कीजिए। आइए, मौलाना अंसार रजा साहब, धर्मांतरण आज बड़ी चिंता है, गृह मंत्री जी ने अपनी चिंता सामने रखी है और जाहिर से बात है उनका ये कहना अपने आप पे बहुत मायने रखता है कि इस देश में बहुसंख्यक धर्मांतरण कानून लाने की बात करता है, यानी कि अल्पसंख्यक आज बहुसंख्यक के ऊपर भारी पड़ रहा है। अजय जी, गृह मंत्री ने अगर किसी बात की चिंता व्यक्त की है तो मुझे लग रहा है उस पर संजीदगी से सोचना चाहिए, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो 5,000 आदमी पूरे साल ये बैठ करके तय करते रहते हैं कि किस सीजन में कौन से मुद्दे को हमें बाहर निकालना है, कौन से सीजन में किस भूत को हमें मैदान में छोड़ना है, उस पर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब गृह मंत्री साहब ने बोला है ईसाइयों के बीच में जाकर के, क्यों बोली है ये बात इसलिए बोली है कि गृह मंत्री जब बोलेगा तो दूर तक आवाज जाएगी, जब दूर तक आवाज जाएगी तो जो पिछले मुद्दे हैं जिन पर बहस होनी चाहिए इस मुल्क में
उस पर ना होकर के ये हो जाएगा, लोगों को ये मुद्दा मिल जाएगा, अरे यार बहुत ज्यादा तादाद बढ़ रही है मुल्क में, बहुत धर्म परिवर्तन हो रहा है। अरे महाराज धर्म परिवर्तन हो रहा तो आपको भाषण देने की जरूरत क्या है, जहां हो रहा है वहां पुलिस को लेकर के जाइए, जो लोग करवा रहा है उठा करके अरेस्ट कीजिए, भाषण देने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर भाषण नहीं देंगे तो चुनावी स्टंट है, कोई चिंता नहीं है, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। संगीत रागी जी, देखिए अजय जी, जो धार्मिक धर्म में परिवर्तन की बात है वो पूरी के पूरी तरह राजनीतिक एजेंडा है। ये चर्च का बहुत बड़ा एजेंडा है। चर्च पूरी दुनिया में एक प्रकार की विचारधारा को थोपना चाहती है, धार्मिक विचारधारा को थोपना चाहती है, और यही बात कुरान की तरफ से आता है। जो इस्लाम के मानने वाले हैं वह भी जानते हैं कि ये हमारा कुरान के सहारे ही जो है वह आपका इमेंसिपेशन होने वाला है, और जो चर्च कहता है वो बाइबिल के सहारे ही इमेंसिपेशन होने वाला है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का सनातन बोध कहता है कि सारे पंथ उसी दिशा में सत्य की ओर जाते हैं। लेकिन हमारा टकराव यही होता है जब कोई एक पंथ कहता है कि यही रास्ता है। यही कारण था कि विवेकानंद ने कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, और तब आरएसएस की परिकल्पना भी नहीं थी, कि हिंदू समाज से जब कोई एक भी बाहर जाता है तो हिंदू समाज की न सिर्फ संख्या घटती है बल्कि हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। गांधी ने इसीलिए कहा था, गांधी ने बार बार ये कहा था कि जो चर्च है वो व्यवसाय में लगा हुआ है, धार्मिक व्यवसाय में लगा हुआ है। गांधी ने जितने, तो आप ये कहना चाहते हैं कि चाहे इस्लाम की बात करें चाहे क्रिश्चियनिटी की बात करें, ये दोनों धर्म सिर्फ धर्मांतरण करना चाहते हैं और हिंदुस्तान में इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। मैं दो चीजें बहुत करता हूँ जी। लोग कहता है कि धर्मांतरण से क्या होता है, इसलिए राष्ट्रीय, यही गांधी प्रश्न लेकर के जिन्ना के पास गए थे कि हमारे बेटे का धर्म बदल गया है लेकिन उसकी राष्ट्रीयता तो वही है। जिन्ना को यही बात समझाना चाहते थे और जिन्ना ने कहा कि यदि ये बात आप कहते हैं तो हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, आप लेटर भी हमको लिखना बंद कीजिए, हमारी राष्ट्रीयता अलग है, पाकिस्तान हमारी अब राष्ट्रीयता बन रही है, हमें इस पर कोई अस्तित्व मौजूद नहीं। इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पर हो चुका है। जब धर्म परिवर्तन होता है तो बाद में उसके उसके कई चीजें भी बदलती हैं। यानी कि धन परिवर्तन के साथ रागी साहब कब तक हिंदुओं को धोखा दीजिएगा? प्लीज हमने हस्ते रागी साहब कब तक हिंदुओं को धोखा दीजिएगा? परिवर्तन के बाद आप टोपी लगाना भी शुरू कर देते हैं, आप हिंदुओं को धोखा दीजिएगा, आप डिफरेंट तरीके के पहनना शुरू कर देते हैं, आप चोंगा भी डिफरेंट पहनना शुरू कर देते हैं, आप खान पीन भारत के अंदर प्रतिस्थापित मदरसे तक बात रहती तो कोई दिक्कत नहीं, इस्लाम जवाब दे रहे हैं संगीत रागी जी, बात नहीं होती रशीदी जी, जवाब दीजिए का पूरा आपका हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा मजहब के नाम पर नहीं हुआ, ये सच्चाई है। अगर मजहब के नाम पर होता तो यहाँ एक भी मुसलमान नहीं टिकता, ये भी एक कड़वी सच्चाई है जिसको ये निगल नहीं पा रहे हैं, ये तो एक सियासी इशू था, उनको उधर प्राइम मिनिस्टर बनना था, इनको इधर प्राइम मिनिस्टर बनना था। जैसे संगीत रागी ने कह दिया कि तो हिंदू राष्ट्र है, एक्सीडेंटल इंडियन है, एक्सीडेंटल बोलने दो ना, मैं आपसे नहीं, मैं बीमारी है आप लोगों, आप अपनी बीमारी फैलाइए, आपका नंबर आएगा तो बोलिएगा। अच्छा चलिए आइए मुद्दे पर आइए, बातें करते हैं। अच्छा मुद्दे पर आइए, यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान सुन ले मेरे भाई जी, इंडियन नहीं है ये, एक्सीडेंटल इंडियन है, जैसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हमारे चेहरे एक्सपोज हो चुके हैं, वैसे ये एक्सीडेंटल इंडियन है, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो ये वो लोग हैं जिनकी आखिरी ट्रेन रह गई थी, ट्रेन टू पाकिस्तान जो जाने वाली थी, जो आखिरी ट्रेन में चढ़ना रह गई थी, उनके पास कुछ चारा था ही नहीं, बजाय इसके कि आपके पास तर्क नहीं है, बिलावली की बातें करते हो, तो ये वही लोग हैं जी, बात पूरी कर लो, चलिए वही लोग रहा साथ, सॉरी माफ कीजिएगा जी, दूसरी बात जी बताइए, बात ये है जी, हमारे देश के संविधान को आप पढ़ लीजिए जी, किसी भी सरकार का काम धर्म की चिंता करना नहीं है, सरकार का काम है लोगों की तालीम पर चिंता करना,
लोगों के नौकरियों पर चिंता करना जी, लेकिन ये तो अगर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है तो ये तो चिंता का विषय है। नहीं, राजनाथ डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता से आप कैसे अपने आप को महरूम रख सकते हैं? मैं जवाब दे दूं जी, प्लीज। अगर ग्राफिक चेंज हो रहा है तो राजनाथ जी को वो आंकड़े भी पेश करने चाहिए। हम अभी अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, हमने अभी अपने चैनल पर दिखाया। सुनिए जी, चलिए अजय गौतम जी, जवाब दीजिए। आजादी जो है हमारी वो जवाब ये बताती है जो राजनाथ जी ने भी कहा है कि हर आदमी को ये आजादी है वो किसी भी धर्म को मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूँ। इस पैनल पे दो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, ये दोनों जो मुस्लिम स्कॉलर है ना, ये दो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाए बैठे हैं। ये अलाउद्दीन खिल्ली के घोड़े पे बैठ के नहीं आए थे सर, जब औरंगजेब ने हंटर बजाए और इन्होंने जजिया देने से मना कर दिया, और इन्होंने जजिया देने से मना कर दिया, तीर्थ यात्रा महसूस देने से मना कर दिया, तो इन्होंने मस्जिदों में जाके कलमा पढ़ लिया। अनपढ़ होने की बड़ी कोई दलील हो ही नहीं सकती। छह पीढ़ी सात पीढ़ी पहले जो लोग आपको देख रहे हैं कितनी बढ़िया दलील। अरे मुझे बताइए, आप अरब अरबी हैं? देखो इस्लाम तो अरब से है। अरे नहीं, सुनिए सुनिए, इस्लाम कहां से आया? अरब से आया। आप अरबी हैं क्या? बताइए, जहां से इस्लाम शुरू हुआ आप उसी देश के मूल निवासी हैं या यहाँ के देश के? ये बता दिया आपको? अरे बताइए ना, किसने बता दिया? इस्लाम, आप अरबी हैं? अलाउद्दीन खिल्ली के घोड़े पे बैठ कर आए थे? यहीं के तो हो, यहीं के तो हो, यहीं के तो हो, ये बताइए, यहीं के तो हो। लेकिन आपने अत्याचार नहीं सहे, आपने अत्याचार नहीं सहे, आपने जजिया नहीं दिया, तीर्थ यात्रा महसूद नहीं दिया, इसलिए आपने मुसलमान हो गए। जीएसटी क्या है? जीएसटी तो है, हो गए। अगर अनपढ़ आदमी जाइए जरा आगे बढ़ते हैं, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, गुरु तेग बहादुर ने इस देश में सनातन धर्म को बचाए रखने की सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने दी है और पूरा सनातन धर्म उस बात को मानता है। घोड़े पर बैठ करके आया, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो रहेंगे इस देश में। आधार कार्ड इस देश का बनवाएंगे, लेकिन ये गुण गाएंगे कहीं और के। इनका दिल किसी और देश के राष्ट्र के लिए धड़कता है। पाकिस्तान का नाम सिंह साहब, प्लीज एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आरपी सिंह साहब, बहुत देर से मैं आप दोनों से आग्रह करता हूँ, प्लीज प्लीज। अजय गौतम जी, अजय गौतम जी और ऋषि जी, अजय गौतम जी और ऋषि जी, प्लीज प्लीज। इंडियन है, चलिए अजय गौतम जी, अजय गौतम जी और ऋषि जी, आरपी सिंह साहब, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सिंह साहब प्लीज। अजय जी देखिए, बड़ी बस मैं अजय गौतम जी की एक बात से मतलब नहीं हूँ। अब ये हमारे देश के नागरिक हैं तो हैं, इसमें हम इसमें इन्होंने 1947 में तय किया कि देश में रहेंगे तो रहेंगे। हमारा देश सेकुलर देश है, हमारे यहाँ सब संप्रदायों को छूट है। वो हिंदू हिंदू हिंदुत्व की ताकत है कि हमारे यहाँ सब संप्रदायों को छूट है। पाकिस्तान में क्या हालत है हमारे समुदाय का सबको पता है। तुम्हारा एहसान है क्या इस देश में रहेंगे तो? ये हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं क्या? अरे सर एक मिनट सुनिए, मैंने बोला ना, हिम्मत करिए ना सुनने की भी। अरे नहीं नहीं, हम क्या कह रहे हैं? आप अपने टुकड़े में पल रहे हैं यार, हम क्या कह रहे हैं? क्या सुन लीजिए, टुकड़े अपनी मेरे टुकड़ों में पल रहे हैं, भाजपा के टुकड़ों में पल रहे हैं क्या? अगला विषय सुनिए दोस्त। अरे राजनाथ सिंह जी ने भाजपा के टुकड़ों में पल रहे हैं क्या? क्रिश्चियंस के बीच में जाकर कहा कि भैया भारत के मुसलमान तुम्हारे रहमो होगा, मार्च कन्वर्शन होगा, भारत के मुसलमान तुम्हारे रहमो करम पे है। अपनी अपनी मर्जी से कोई कन्वर्जन करेगा वो ठीक है, जब लालच देकर आप कन्वर्जन करेंगे तो गलत है, जब आप ताकत के ताकत पर आप कन्वर्जन कराएंगे तो गलत है। ये है मुद्दा। चलिए आप इसी पर अनुराग जी, अभी उसको मैं तो कर अनुराग मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, नागरिक को जितना मैं हूँ जी। अरे मैं मेरे गुरुओं ने लड़ाई लड़ी औरंगजेब के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, जब भी मैं कह रहा हूँ भैया हमारी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है, उस सोच से थी जो सोच यहाँ पे कन्वर्जन करना। अनुराग भदौरिया जी आपसे नहीं है, अनुराग भदौरिया जी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आरपी सिंह साहब कह रहे हैं। वो सोच जो देश की आबादी को बदलने की कोशिश कर रही है वो सोच खराब है, लोग खराब नहीं है, धर्म खराब नहीं है, और ये अपने आप में बहुत जेन्युइन बात है और मुझे लगता है इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। अनुराग भदौरिया जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जब राजनाथ सिंह ये बात कह रहे थे, राजनाथ सिंह को सोचना चाहिए था कि देश के गृह मंत्री हैं जी, तो गृह मंत्री इतना बेचारापन क्यों दिखा रहे हैं? दो बातें हो सकती हैं, या तो ये अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहे हैं इलेक्शन का, या गृह मंत्री के हिसाब से फेलियर है। जब आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो कोई विपक्ष के नेता थोड़ी हो आप तो सरकार के गृह मंत्री हैं भाई।
आप गिड़गड़ा क्यों रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर एक्शन आपको करना चाहिए था। उनको पता है ये सब चीजें हमें कहना है इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए। अब दोनों चीज का जवाब अगर राजनाथ सिंह देंगे तो अच्छा लगेगा, या तो बताएं कि उनके गृह मंत्रालय अपना गृह मंत्रालय चला नहीं पा रहे देश का, आप देश को यानी देश की चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या इलेक्शन को सामने रखते हुए ये मुद्दा सेट कर रहे हैं। जवाब देना चाहते हैं संगीत रागी जी, प्लीज अनुराग जी का जवाब दीजिए। अनुराग दोनों में से एक बात है, या हमें आरपी सिंह साहब बता दें। अनुराग भाई, सारी चीजों को तुरंत इलेक्शन के संदर्भ में जोड़ करके मत पढ़िए। राजनाथ सिंह जी क्रिश्चियनों के बीच में बोल रहे थे, क्योंकि सर इलेक्शन दो महीने के बचे हैं, आपको सारे मुद्दे अभी याद आने लग गए, आपको सवर्ण भी अभी याद आया, आपको ये धर्म परिवर्तन अभी याद आया, आपको अनुराग भाई जब पीढ़ियां जाती हैं तो हम आने वाली पीढ़ियों को याद करके जाते हैं, अभी आपको तुरंत याद आने लगा कल जाकर के यदि इस देश में लाहौर की गलियों जैसी स्थिति आ जाएगी दो महीने में क्या होगा, आप अंदाजा लगा रहे हैं? क्यों नहीं आप बेरोजगारी पे बहस करते, क्यों नहीं बताते कि आपने क्या किया पांच सालों में, जनता के लिए क्या सुविधाएं दी, बताइए आप, जनता आपके साथ खड़ी होगी तो मंच पे खड़े होकर बताते हो हमने शौचालय बनाया। अरे शौचालय क्या बनाया आपने, आप अपनी आप देश के मन शौचालय बना के अपने आप को बहुत बड़ा महान बना लिया, क्या बनाया हमने, हमने उज्ज्वला योजना दे दी, सिलेंडर बांट के अपने आप को महान बनना चाहते हो क्या, सिलेंडर बांट के शौचालय बना के कोई महान कभी नहीं बनाया, महान बनता है देश को आगे बढ़ा के, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा के, देश के विकास को देश की गति को तेज करने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए, आर्थिक स्थिति आपका रुपया मुझे चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए। मौलाना अंसार रजा, आपने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान किसी के टुकड़े पर नहीं पलता, लेकिन ये बात भी तो सही है ना कि धर्मांतरण या दूसरे मुल्क से आए मुसलमानों को हिंदुस्तान में बसाना और डेमोग्राफिक चेंज करना अपने आप में एक चिंता का विषय है, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हर कौम के लिए होना चाहिए, एक कौम के लिए नहीं, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर बाहर का आता है, अगर हमारे मुल्क में आकर के रह रहा है, तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि मुसलमानों के लिए है और गैर मुस्लिमों के लिए नहीं, ये एक बात। दूसरी चीज, का यहां बाहर से आना प्रतिबंधित होना चाहिए, अजय जी, बाकी जितने माइनॉरिटी, अजय जी, जो सफरर से दूसरे देश का यहां स्वागत होना चाहिए, यहां की डिबेट में समझ के बैठता हूं, दुनिया में कौन जगह जाएगा हिंदू? अब आपके यहां डिबेट होनी चाहिए थी कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा, आप यहां कह रहे कि कौन गधे पे बैठ करके आया, कौन घोड़े पर बैठकर चलिए वो तो छोड़ दीजिए, हिस्सा है क्या? सिर्फ इन्होंने ये कहा है कि इस देश का मुसलमान सवाल किसी का है, मेरा सवाल आपके लिए बहुत मजबूत है, ये बात कोई पहली बार नहीं कहा गया है, ये बात मौलाना अंसार रजा, मान आरएसएस के टुकड़ों पे नहीं, मौलाना अंसार रजा, रागी साहब, न्यूज नेशन के डिबेट में बैठना और ना बैठना बड़ा बड़ा एहसान किया है, मैं तो कह रहा हूं कि दलाली करने वालों के टुकड़ों पर नहीं पलता मुसलमान, ये दाढ़ी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ये आंकड़े ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास आ गए हैं, ये आंकड़े पिछले कुछ एक साल से हम सबों के सामने हैं। सरकार आपकी तकरीबन 55 महीने रही, लेकिन इस पर चिंता 2014 में जाहिर नहीं की गई, 2015 में जाहिर नहीं की गई, 16 में नहीं, 17 में नहीं, 18 में नहीं, 19 में आकर चिंता, तब लगता है कि क्या टाइमिंग का सवाल है? देखिए चिंता तो हुई, असम में चिंता हुई, रोहिंग्यास को लेकर चिंता हुई, अब जो पहले जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ, परंतु हमारी सरकार की वजह से चिंता हुई। जवाब दीजिए आप, इसी हम कह रहे हैं कि आपको क्यों नहीं 15, 16, 17, 18 में याद आए, कैसे लोग आप इलेक्शन से आप जनता को बहकाने के लिए आ गए? सर आप कृपा करें, मैं आपको टोकता हूं, टोकूंगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, भागेंगे यहां से, अचानक आपको याद आ गई, ऐसा बोल दिया था मंत्री को, हरा कुर्ता पहनकर आकर बोलना बंद करिए, ये जो आप पर्टिकुलर समुदाय के चलते हरा कुर्ता पहनकर आते हैं एजेंडा चलाने आते हैं क्या? देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चलाने आए हैं, तो कह दीजिए कि हम गृह मंत्री नहीं है, हम एजेंडा चलाते हैं, हम देश को मुद्दा देते हैं जिससे देश में नफरत फैले, बताइए ना फिर आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, फिर आप गृह मंत्री थे और आपने रोक नहीं पाए, इतना आपके नाक के नीचे सब होता रहा, आप चुपचाप बैठे देखते रहे, आप इंतजार करते रहे कब जनवरी आएगी, जनवरी का कब 13वीं तारीख आएगी, हम अपनी बात कहना शुरू कर देंगे, उसका इम्पैक्ट अपने इंतजार कर रहे थे क्या? इसका इंतजार कर रहे थे आप क्या? आप बताइए ना, देश के हित की बात करते हो कि देश की
आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है। चलिए अब देश से जाना चाहता हूँ, पूरी कोशिश की है समझने की आप दोनों क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आपस में उलझने का कोई मसला नहीं है। मसला यहाँ पर है कि क्या ये चिंता का विषय है या नहीं। आइए जरा इस सवाल को संगीत रागी जी के सामने रखता हूँ। संगीत रागी जी, तथ्य हमने आपके सामने रखे हैं और ये चिंता का विषय आज से नहीं बल्कि पिछले 15 साल से ये चिंता का विषय है। मैं आग्रह कर रहा हूँ अनुराग जी और सिंह साहब, प्लीज प्लीज अनुराग जी और सिंह साहब आइए जरा चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए। संगीत रागी जी, पिछले 15 साल से ये मामला सामने है, प्लीज 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 पिछले 15 साल से ये मामला सामने है। हम सब जानते हैं कि इस तरह की चिंताओं को जाहिर किया जा रहा है, लेकिन कोई सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाती, यहाँ की बीजेपी की सरकार भी नहीं। तो क्या अब बीजेपी की सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि ये टाइमिंग है या नहीं? देखिए, मैं टाइमिंग से ज्यादा इस चीज को महत्व देता हूँ। नहीं, टाइमिंग पर भी आपको बोलना चाहिए, क्योंकि 50-55 महीने के बाद अगर सरकार कुछ कहती है तो अपने आप में सोचने वाली बात। अजय जी, देश के भविष्य का सवाल है जी, हम अपनी पीढ़ियों को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, या उन धर्मों से लाद देंगे इस देश की पीढ़ियों को जो एक ही प्रकार की विचारधारा इस पूरी दुनिया में कायम करना चाहते हैं। आप दारुल हरब और दारुल इस्लाम आप सोच लीजिए, किसी भी प्रकार से दारुल हरब को जो इस्लामी शासन नहीं है, जिसके अंदर नहीं है, उसको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना, ये पैन इस्लामिज्म का चरित्र है। तो इस चीज को यदि इस देश का हिंदू नहीं समझ रहा है तो जातियों के आधार पर, भाषा के आधार पर और लड़ करके यदि हिंदू समाज इकट्ठा नहीं खड़ा हुआ तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गर्त में हो जाएगा। एक मिनट, बस 10 सेकंड दूंगा, इसके बाद मत बोलने दीजिए। धर्मांतरण सिर्फ नहीं होता है, धर्मांतरण से राष्ट्रीय अंतरण भी हो जाता है। आपका खान पान, सारी संस्कृति में बदलाव आएगा, आपकी निष्ठा में बदलाव आएंगे, आपके राजनीतिक एजेंडे में बदलाव आएगा। क्या कारण है कि भारत के विभाजन के बाद मुसलमानों का जो पॉलिटिकल एग्रेशन था वो खत्म हो गया था, लेकिन 60 के बाद जैसे ही उनकी जनसंख्या बढ़नी शुरू हो गई है, भारत विभाजन के पहले के पूरे एजेंडे को आज का मुस्लिम समाज खड़ा हो। यही जवाब मैं मौलाना अंसार रजा आपसे भी लेना चाहूंगा, लेकिन पहले रशीदी जी बताइए। देखिए अजय जी, एक बात हमें समझना पड़ेगा जी, ये जो संगीत रागी जी कह रहे हैं, मैं इसका जवाब देना भी नहीं चाहता और ये जवाब देने योग्य बात भी नहीं। क्यों नहीं देना चाहते? इस वजह से नहीं देना चाहता क्योंकि आप देख रहे हैं पिछली सरकारों ने जिस तरह से एक एक चीज थोपी थी कि भाई हम दो हमारे दो, इस्लाम में वो तस्वूर है नहीं कि आप औलाद को इस जानकारी के लिए इस बात को बता दूं, पाकिस्तान जो कि इस्लामिक देश है, और मेरी बात सुन लीजिए, आपने अभी हम दो हमारे दो की बात की, ये मेरे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लामिक देश कहता है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्पष्ट तौर से कहा है पाकिस्तान में 2 बच्चों का कानून लागू किया जाना चाहिए और इस पर विचार हो रहा है, बहुत जल्द पाकिस्तान की सिर्फ पारित करने वाली है। आप बताइए हम दो हमारे दो पे क्या आपत्ति है? पाकिस्तान के किसी जज के कहने से इस्लाम के कानूनों को रद्दोबदल नहीं किया जा सकता, न हो सकते। पाकिस्तान का जज कहे या सऊदी अरब का जज कहे, इस्लाम इज कुरान, कुरान इज इस्लाम। दूसरी बात आरपी सिंह जी एक मिनट, अरे आरपी सिंह जी, लोगों की सोच की गड़बड़ है। अरे यार सुन लो ना, अभी तो आप नसीहत दे रहे थे उनको, अनुराग भदौरिया को, अब आपने वही काम शुरू कर दिया। सर 10 सेकंड नहीं, सोच मींस क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं भाई, सोच मींस क्या है, क्या सोच है हमारी? हमारी सोच कुरान है, हमारी सोच इस्लाम, हम किसी के दबाव में नहीं आते। कि इस्लामिक देशों में कुरान नहीं है क्या? चाइना में मुसलमान रहते हैं, वहां कुरान नहीं है क्या? नहीं मारते मौलाना रशीदी, मौलाना रशीदी इस बात पर मैं आपसे, मौलाना रशीदी इस बात पर मैं आपसे बहस करना चाहता हूं, बच्चियों को जो खत्म करते हो, मौलाना रशीदी इस बात पर मैं आपसे बहस करना चाहता हूं, 5 बच्चियों को भी पैदा करते हैं, मौलाना रशीदी प्लीज, हमारी सोच हो सकती है, हमारी नहीं है। मौलाना रशीदी, इस बात पर मैं आपसे बहस करना चाहता हूं, मैं बहस करना चाहता हूं आपसे। जब आप इस्लाम की बात करते हैं और कुरान की बात करते हैं तो तमाम इस्लामिक देशों, चाइना, पाकिस्तान, वहां पर मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते? क्या वहां के मुसलमान कुरान से नहीं चलते? क्या कुरान सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए है? कौन कहता है वहां कुरान से बात नहीं होती? तो आप बताइए कौन कहता है? चीन में 2 बच्चों से ज्यादा कोई भी मुस्लिम नहीं पैदा कर सकता, ये बात सत्य है कि नहीं?
आप एक बात बताइए, आप चीन में बैठे हैं कि हिंदुस्तान? मैं हिंदुस्तान में, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। हिंदुस्तान की बात, हमारी बढ़ती आबादी पर हिंदुस्तान की बात, आप धर्म की बात कैसे ला सकते हैं? आप कुरान में कहाँ लिखा है? आप देश के कुरान में कहाँ लिखा है कि अनगिनत बच्चे पैदा करो? सुनिए अजय जी, मुझे बताइए, इतना अग्रेसिव होने की? बिल्कुल, क्योंकि आप बेजा बात कर रहे हैं। आप देश के, आप बेजा बात कर रहे हैं। सुनिए, आप देश के गृह मंत्री से कहिए कि पीसी में बैठकर इस तरह की बातें ना करें, एक कानून ले आए। सर 10 सेकंड पहले पहले, जैसे आप तीन तलाक पर कानून ले आते हैं, मैंने वादा किया था कि मैं मौलाना अंसार रजा को 10% रिजर्वेशन के लिए कानून ले आते हैं। सर 10 सेकंड हमें भी दे दीजिए। सर हम लोग रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, हमें तो दे दीजिए 10 सेकंड। मैं प्लीज एक मिनट आ रहा हूं। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाइए पहले। मैंने आपसे वादा किया था, प्लीज अपनी बात रखिए। मौलाना अंसार रजा साहब जी, जी ऐसा है अजय जी, जी संगीत रागी साहब ने बड़ी बहुत अच्छी तरीके से एक चीर देश के हिंदुओं के दिमाग में डालने की कोशिश की है कि ये मुल्क अगर बर्बाद हो रहा तो मुसलमानों की वजह से बर्बाद हो रहा, आबादी बढ़ रही है तो मुसलमानों की वजह से, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही तो मुसलमानों की वजह से, मंदिर नहीं बन रहा तो मुसलमानों की वजह से, गाय कटना बंद नहीं हो रहा तो मुसलमानों की वजह से, गंगा साफ नहीं हो रही तो मुसलमान, मतलब जितने कसूरवार यहां मुसलमान है दूसरा कोई नहीं है। ये संगीत रागी साहब ने एक बात साबित करने की कोशिश की, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ संगीत रागी साहब, सुनिए देखिए, आप बीच आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, मैं सर आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला। अच्छा, राई साहब ऐसे सुन लेते सर, मैं पहले सुन लेते क्या कर रहे हैं जी, बोलिए आप सुन लीजिए ना जी, सुन लीजिए ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें जो आज आपको याद आ रही हैं कि मुसलमान ये कर रहा है, मुसलमान ये कर रहा है, मुसलमान ये कर रहा है, मैं एक बात आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के किसी मुसलमानों ने अंग्रेजों के कदमों पर अपना सर नहीं रखा, डंके की चोट पर कहा कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन बहस इस बात पर है कि पाबंदी लगनी चाहिए, हम ये चाहते हैं कि जो कानून बने बहस मत करो, जो कानून बनाना है वो कानून बनाओ, बहस बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर हिम्मत है कितने बच्चे किसके पास रहेंगे, ये पास कीजिए, बात खत्म हो गई। बिल्कुल, बात में असम में दो जगह है, एक मंगल दो है वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक होजाई है, वहां पे 10 साल पहले जो मुस्लिम आबादी थी वो 10-12% हुआ करती थी, आज ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए मंगल दो में 80% मुस्लिम है, होजाई में 90% मुस्लिम है, जहाँ का वो अफजल वो आता है चुनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सवाल यह है कि सर हमेशा हम तो कहते हैं राष्ट्र हित के निर्माण में हमेशा सबको योगदान देना चाहिए, हम दो हमारे दो ये कांग्रेस ने भी नारा दिया था, सब लोग उस पर चलने भी ले, लेकिन कुछ लोगों की सोच है वो चाहते हैं कि हम हिंदुओं से इस देश पे सीधा नहीं लड़ सकते, हम इस देश पे कब्जा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने नारा निकाला हम 5 और हमारे 25। धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, इस देश का वो हाल कर दो जो ईरान ने किया, इस देश का वो हाल कर दो। सुनिए इस देश में सर अभी तो हम आबादी बढ़ा के आबादी बढ़ा के भाषण करवाते हैं, चाहते हैं 20 करोड़ से डर गए इस देश में, इसीलिए आप क्या नहीं चाहते हैं, और इसीलिए ये इसका बिल का या जो जनसंख्या कानून है उसका विरोध कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए कभी हिंदू धर्म किसी मुसलमान को हिंदू बनाओ, कभी कहते हैं किसी क्रिश्चियन को बनाओ, हम कहते हैं जो व्यक्ति जिस धर्म के अंदर हुआ है जहाँ उसका जन्म हुआ उसको वहाँ रहना चाहिए, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी तारा सागर पूछिए, कभी तारा सागर, कभी तारा सागर झूठी शादी के, हमारा संविधान है तारा सैगल पे पाबंदी लगाने, तारा सैगल पे कौन है पाबंदी लगाने, शादी करते हैं और बाद में उसको ब्लैकमेल करते हैं, बाद में उसको ब्लैकमेल करते हैं, नमाज पढ़ी जाती है। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ना तारा सैगल, छोड़िए आप इसे, अरे छोड़ो ना, लव जिहाद क्या है, सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने का आप लोगों का एजेंडा है, पहले किया मैं कह रहा हूँ दसियों से है, एनआईए साबित नहीं कर पाया, ये साबित नहीं कर पाया, तुम जैसे लोग चिल्लाते रहो ना और चिल्लाते रहो, ये एक केस साबित नहीं कर पाया, इसलिए इस एक केस साबित नहीं कर पाया। हम तो हमारे हम तो कुरान से चलेंगे, अरे कुरान से चल के चिल्लाते रहो, कुरान से चल के दिखाओ इस देश में, अरे आपकी तो हिंदू नहीं सुनता, अरे मैं कह रहा ना कि कुरान से चल के दिखाओ, हम हिंदू 100 करोड़ हिंदू नहीं सुनता, अरे चलने में बल्ले वाले मौलाना आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब मैं फिर अपने मूल सवाल पर वापस लौटता हूं। इन तमाम चिंताओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये चिंता जबकि देश में आज से नहीं तकरीबन पिछले 15-20 साल से जाहिर की जा रही है, तब देश के गृहमंत्री को यह चिंता चुनाव के 3 महीने पहले जब दिखती है तो टाइमिंग की बात आती है और इसीलिए शक होता है कि मंशा क्या है।
अजय 1970 से ये चिंता लगातार देश के आगे आ रही है। अगर आपको याद हो पूरा आसाम का आंदोलन 80 के दशक का पूरा आंदोलन इसी आधार पे हुआ था, जो ये जो हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, जो वहां का डेमोग्राफिक बदल रहा था, पूरा आसाम का आंदोलन उसलिए हुआ। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस प्रकार हुआ सारा, वो ये कोई अभी 50 साल में थोड़ा हुआ, वो तो 50 से लेकर 70 के बीच में हुआ, 80 के दशक में उसको लेकर एजुकेशन शुरू हुए। परंतु मैं वापस कह रहा हूँ, मेरा हमारा इस्लाम से कोई मतभेद नहीं है, इस्लाम अच्छा धर्म है, वो काम करें अच्छी बात है, परंतु उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, क्रिश्चियनिटी से कोई मतभेद नहीं है, परंतु उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, उसका उपयोग क्या होगा, वो बड़ी बात है। अगर वो आप मास बेस्ड धर्म परिवर्तन करेंगे लालच देकर, या दादागिरी कर या अपने दम पर, या आप ये सोचकर कि हम पॉपुलेशन एक्सपेंशन ऐसी कर लेंगे जिसमें कल दिक्कत होगी, तो ये कष्ट का मामला, इसके लिए सरकार चिंता कर रही है। और मैंने कहा रोहिंग्यास की बात आई, तो अभी इन दोनों अपने मेरे साथियों से पूछ लो कि रोहिंग्यास के पक्ष में विरोध में, अभी कहेंगे नहीं रोहिंग्या के पक्ष में। भैया क्यों रोहिंग्या के पक्ष में हो, क्योंकि सर मुसलमान इसलिए, इसलिए बोला ना कि हमारे देश में हम किसी भी बाहर के लोगों को जो कि जिस आबादी से है वही रहे ना, बांग्लादेश वाले क्यों नहीं ठहराते रोहिंग्या को, हमारे क्यों रोकते क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान में आरपी सिंह साहब कह रहे हैं उन्हें उस सोच से समस्या, रशीद जी एक मिनट प्लीज, उन्हें उस सोच से समस्या है, सिंह साहब ये कह रहे हैं, वो सोच जो कि देश हित में नहीं है, मुसलमानों से क्रिश्चियन से कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सोच जो कि राष्ट्रवाद पर आघात करती है, उस सोच से समस्या है। अनुराग भदौरिया जी, आप देखिए मुझे तो सोच से, आरएसएस की सोच से बहुत समस्या रही है कि देश जब देश की आजादी में जी क्या रहा है उनका हिस्सा होता है, अंग्रेजों के साथ लेकिन देश के साथ संविधान को भी नहीं माना, संविधान को भी अपमान करते रहे, संविधान को बदुआ सोच बोलते थे, तिरंगा को भी अपमान करते थे, महात्मा गांधी को भी इन्होंने, इनके नाथूराम गौड़से ने मार डाला, तो क्या करें भाई। हम तो चाहते हैं कि देश के अंदर में भारतीय राष्ट्रीयता होनी चाहिए, हर व्यक्ति को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। भाई देखो कोई व्यक्ति का आप किसी को बेवजह बातें करने कोई फायदा नहीं है, एक ही बात बची है इस देश के अंदर में, ये इलेक्शन आते ही भारतीय जनता पार्टी नफरत की बात करना शुरू कर देती, इतनी बात मैं जानता हूँ। आप नफरत की बात क्यों करते हो, देश को क्यों तोड़ने की बात करते हो, बहुत सारे देश की समस्याएं हैं जिनको आप उठाओ, मंच से उठाओ, उन समस्या की बात करो। गांधी जी का चश्मा लगाने थोड़ी गांधी जी बन जाओगे, चश्मा लगा दिया गांधी जी के विचार तो ले लेते, चश्मा लगाने से गांधी जी नहीं बन जाओगे, विचार लो गांधी जी के, इसलिए कहते हैं कि बातें करने अनुराग जी आपने जो अभी मुद्दा उठाया उस पर संगीत रागी जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि क्या तमाम समस्याओं को छोड़कर किसानों ने आत्महत्या की, विभाजन करने वाले मुद्दों को ही हवा देना संघ परिवार और बीजेपी का काम है, क्योंकि यही आरोप आपके ऊपर अनुराग भदौरिया लगा रहे हैं। रोजगार प्रत्येक साल के हिसाब से आपने लिया है। देखिए 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 अजय जी जी, जो एम्प्लॉयमेंट की बात है, पॉवर्टी एलिवेशन की बात है, ये सारी समस्याएं विमर्श के विषय हैं, वो भी विमर्श होने चाहिए जी, लेकिन यह विमर्श उससे कोई कम संजीदा नहीं है। देखिए दुनिया में हर जगह अपने आप को कोई मेजोरिटी नहीं चाहेगा कि वो देश में माइनॉरिटी बन करके खड़ा हो जाए जी, कुछ दुनिया में कोई नहीं है, जैसा जैसा ऑस्ट्रेलिया ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में भी मुसलमानों की जनसंख्या जब बढ़ने लगी उन्होंने कहा शरीयत कानून आया, तो उन्होंने कहा कि हम बुलाए नहीं थे आपको, आप हमारे यहां आए थे और आप हमारे कानून से चलेंगे, आपको शरिया कानून जाना है तो आप वहीं चले जाएं जहां शरिया कानून। दुर्भाग्य है कि इस देश के किसी राजनीतिक दल में इतनी हिम्मत नहीं है जो ये बात कह दे। आप जानते हैं कि इस देश में इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक
रिलेशन नहीं हुआ होना चाहिए, इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाए। नहीं, ये तो चंद्रशेखर जी की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इसको गति दी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने गति दी। अरे सुनिए, नहीं तो अरब की पॉलिटिक्स जो है इस देश की राजनीतिक पीड़ा वो तय करती थी। आपकी पीड़ा ये है कि आगे साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं, एक समय कश्मीर भी हिंदुस्तान आरएसएस की जागीर है, ये आजों के दलालों की जागीर है क्या, हिंदुस्तान की हालत क्या है, दुनिया जानती है इस्लाम का चरित्र है। केरल की लड़की थी अकेला, उसको लंबाद में इन्होंने मुसलमान बना के हाजिया कर दिया। ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा ये धर्म है, कोर्ट का फैसला सुन लीजिए। और सिर्फ मैंने कहा ना आबादी बढ़ाने के लिए, आबादी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं रशीद जी, मैं आपके पास मौलाना रजा, बताइए आप क्या कह रहे हैं, बताइए। और सारे मुसलमान इसके हिस्से नहीं है, माफ कीजिएगा, मुझे लग रहा है अजय जी जी नहीं होंगे। अब सुनिए रागी साहब, सुन लीजिए रागी साहब, सुनिए आपका जवाब दे रहे हैं, आपका बहुत जिम्मेदार चैनल है जी, और यहाँ बैठ करके रागी साहब कुछ भी बकवास करते चले जाएंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि किसी किसी सियासी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों से ये कह दे कि तुम सऊदी अरब चले जाओ। अरे रागी साहब क्या भाषण कर क्या बकवास करते हैं आप लोग टीवी में बैठ करके, है किसी की मजाल क्या, है किसी की मजाल क्या, आपने गलत है मजाल किसी की क्या, मैंने कहा कि सरिया अंग्रेजों की दलाली करने वाले हमसे ये कहेंगे सरिया देश को नहीं चलाएगा, अंग्रेजों की गुलामी करने वाले हमें देश से बाहर निकालेंगे, अंग्रेजों की दलाली करने वाले हमें देश से बाहर निकालेंगे। रोहिंग्या को पैट्रोनेज देना बंद कीजिए, अंग्रेजों की दलाली करने वाले हमें बाहर निकालेंगे। एजेंडा भारत में बैठ करके नहीं चलाइए, पाकिस्तान का एजेंडा भारत में बैठ करके भेजना है, बांग्लादेशी जहाँ भेजना है उनको, बांग्लादेशियों को क्या मुसलमान के नाम अंग्रेजों के जूते चाटने वाले, किसने अंग्रेजों के जूतों पर नाक रगड़ने वाले हमें देश से बाहर करेंगे, आकर के बस गए हैं वे, अपने आप में एक देश खड़े हो चुके हैं। अंग्रेजों के कौन गुनहगार है, अंग्रेजों के जूतों पर नाक रगड़ने वाले मुसलमानों को देश से बाहर करेंगे, आप दोनों पास आ रहे हैं देश से बाहर मुसलमानों को करेंगे। जूते चाटते थे, कितना बोल रहे हैं, जूते चाटते थे अंग्रेजों के दलाल और वो मुसलमानों को बाहर करेंगे। मैं समझ जाता हूं इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल अपने आप में उचित नहीं है, बढ़िया सभ्य भाषा है भाई, प्लीज जी रशीद जी, हमें भाषा को कुछ भी करते थे लेकिन अंग्रेजों की दलाली नहीं करते थे। हाँ अच्छी बात है, हम जानते हैं कि क्या करते हैं। अपनी बात कहिए, रशीद जी अपनी बात कहिए, हमें देश की आजादी की लड़ाई मुसलमानों ने नहीं लड़ी, धर्म को भी लड़ाई 1924 के बाद ये बहुत बुरी बात है, पाकिस्तान के लिए लड़ी क्या यार आप, इस देश की आजादी के लिए नहीं लड़ी, इसलिए ये अपना लूटे रहे थे 70,000 लोगों ने आजादी के लिए, देश के लिए अंग्रेजों से अपना लूटा हुआ, अंग्रेजों से माफीनामा नहीं लिखवाया, लूटा था दोनों लुटे रहे थे, कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, लूटा उसे वापस लेने के लिए लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई, आजादी की लड़ाई। अरे काय की आजादी की लड़ाई, 40,00,000 हिंदू मार दिया आपने पाकिस्तान में, गौतम 40,00,000 कुछ हिंदू मारे, चलिए रशीद आजादी की कीमत हिंदुओं ने चुकाई है, 40,00,000 हिंदुओं को नरसंहार किया। ज्यादा भाषण मत करो, मैं सिर्फ 10 सेकंड बोलना चाहता हूं, ये सब बहकाओ मत, लोगों को सब जानते हैं देश के लोग, गौतम जैसे क्या प्लान से तुम लोग कर रहे हो मैदान में, राजा अंसार राजा ऐसी क्या बात है कि और ये देश अपने ग्राफ पर भाग जाते हैं, और ऐसी क्या बात है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान फलीभूत होते हैं, संविधान को मानते हैं, आप जैसे लोग कोई कुरान को मानते हैं, यही तक था, इसलिए वोट से बहुत पैदा हुए। आप सबका बहुत धन्यवाद इस बहस में शामिल होने के लिए, आप सबका बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अपने आप में चिंता का विषय है, लेकिन इस पर एक विस्तृत और वृहत चर्चा की आवश्यकता है। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही, लगातार देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन। का आरोप लगाया।